शाम के 4 बज रहे थे। सौरभ कुमार की विधवा सास सौरभ कुमार के पास फोन लगाकर कहने लगी, क्या हुआ दामाद जी, बहुत दिन हो गए आप हमारे घर घूमने नहीं आए हो, लगता है आप मुझे भूल गए हो। तभी उसका दामाद सौरभ कुमार कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं सासू जी, बस हमारे और तुम्हारे बीच चल रहे अवैध संबंधों के बारे में तुम्हारी बेटी यानी हमारी पत्नी को कुछ शक हो गया था, इसलिए मैं आपके घर घूमने नहीं आ पाया, मगर तुम चिंता मत करो, मैं अभी इसी वक्त दोस्त के घर जाने का बहाना बनाकर तुम्हारे घर घूमने आ रहा हूँ। ये कहकर सौरभ कुमार तुरंत अपने फोन को कट कर दिया और पत्नी मनीषा से दोस्त के घर जाने का बहाना बनाकर अपने ससुराल के लिए रवाना हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऐसे अफेयर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब जैसे ही सौरभ कुमार अपने ससुराल में पहुंचा और उसकी विधवा सास मोहिनी उसे देखी तो अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई और मुस्कुराते हुए सौरभ कुमार को अपने बेडरूम में बुला लिया। अब जैसे ही सौरभ कुमार अपनी सास मोहिनी के बेडरूम में पहुंचा और बेड पर बैठा तो वैसे ही मौका देखकर जिस्म की प्यासी मोहिनी उससे नागिन की तरह लिपट गई और प्यार करने लगी। जवान खूबसूरत सास के कोमल अंग का स्पर्श पाते ही सौरभ कुमार खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और वे देर न करते हुए तुरंत उसके ऊपर आ गया और 61-62 करने लगा। इस दौरान सौरभ कुमार छक्के पर छक्का मारे जा रहा था और उसकी जवान खूबसूरत विधवा सास मोहिनी गेंद पर गेंद फेंकते जा रही थी। कुछ देर बाद जब दोनों गेम खेलकर शांत हुए तो थकान होने के कारण वहीं पर लेटकर आराम करने लगे, क्योंकि उस वक्त मोहिनी के घर पर कोई नहीं था। मोहिनी घर पर अकेली थी, बेटा परदेश में था और उसकी बहू शिखा यानी सौरभ कुमार की सहेज किसी काम से मार्केट गई हुई थी। बस इसी का फायदा उठाकर दोनों कुछ देर आराम करने के बाद फिर से 61-62 वाला गेम खेलने लगे। तभी अचानक इसी बीच मोहिनी की बहू शिखा मार्केट से वापस घर आ गई और विधवा सास को नंदोई के साथ अवैध संबंध बनाते हुए आपत्तिजनक हालत में देख लिया। अब जैसे ही बहू शिखा कुछ देर तक अपनी विधवा सास को नंदोई के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखी तो उसके भी मन के अंदर वासना जाग गई और वह तुरंत बेकाबू हो गई, लेकिन कुछ नहीं बोली क्योंकि उसकी सास मोहिनी जो अंदर थी इसलिए वह मन मारकर वहां से वापस अपने बिस्तर पर चली आई और बिस्तर पर लेटकर रात में जवान नंदोई से मिलने के लिए प्लान बनाने लगी। जब रात हुआ तो शिखा प्लान के तहत अपनी सास से पहले ही नंदोई सौरभ कुमार से मिलने के लिए उसके कमरे में पहुँच गयी और मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है नंदोई जी, जो आजकल आप हमारी सास को खूब मिठाई खिला रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं दाल में कुछ काला है। जवान सरहज के मुँह से इस तरह के शब्दों को सुनकर सौरभ कुमार तुरंत आश्चर्य में पड़ गया और मन ही मन सोचने लगा कि लगता हमारी सरहज ने आज शाम को मुझे अपनी सास के साथ 61-62 करते हुए देख लिया है। इस तरह की बातों को सौरभ कुमार लगातार अपने मन के अंदर सोच ही रहा था। तभी सौरभ कुमार की सरहज मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, डरो मत, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन हो सके तो थोड़ा सा मिठाई मुझे भी खिला दो। जिसके बाद सौरभ कुमार राजी हो गया और बोला, कोई बात नहीं है सरहज जी, तुम चिंता मत करो, जैसे एक वैसे दो, हमारे लिए तो सब बराबर है। ऐसा कहकर सौरभ कुमार तुरंत अपनी जवान खूबसूरत सरहज को अपने गोद में बैठाकर मिठाई खिलाने लगा। तभी खतर पत्थर की आवाजों से सौरभ कुमार की विधवा सास की आँख खुल गयी और वह सोचने लगी कि चलकर एक बार और अपने दामाद से मिल लूं, नहीं तो फिर कल वो अपने घर चले जाएंगे। ऐसा सोचते हुए मोहिनी तुरंत अपने बिस्तर से उठी और दबे पांव अपने दामाद सौरभ कुमार के पास पहुंच गई। अब जैसे ही मोहिनी अपने दामाद सौरभ कुमार के पास पहुंची और वहां का नजारा देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और गुस्से से क्रोधित हो गई। जिसके बाद बहू और सास दोनों में विवाद शुरू। काफी देर सौरभ कुमार द्वारा समझाने बुझाने के बाद जब दोनों शांत हुई तो सौरभ कुमार होशियारी दिखाते हुए तुरंत वहां से वापस अपने घर चला आया। तो दोस्तों आप आपराधिक मानसिकता को समझें और सतर्क रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें।